नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका मेरा गांव मेरा देश में। और आज हम बात करेंगे रुद्रप्रयाग की। रुद्रप्रयाग में चारधाम यात्रा मार्ग के अलावा रुद्रप्रयाग जनपद के हजारों की आबादी को जोड़ने के लिए अलकनंदा नदी पर रुद्रप्रयाग में बनाया गया मोटर पुल, जो कि जर्जर हालत में है। भारी वाहनों के चलने से ये मोटर पुल कांपने लगता है। 2013 में जो प्राकृतिक आपदा आई थी, इस पुल को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन आज तक पुल का ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है। 2013 से अब 2022 आ गया है, लेकिन पुल में जो कमियां थी, जो हालत खराब हुई थी पुल की, वो ठीक नहीं हो पाई है। आए दिन भारी वाहनों के चलने से पुल की हालत और ज्यादा जर्जर बनी हुई है और कभी भी कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी के ऊपर कई दशकों पहले निर्मित मोटर पुल स्थित है। ट्रीटमेंट के अभाव से पुल जर्जर हालत में जा पहुंचा है। भारी वाहनों के चलने से पुल कांपता है। लगभग 50 मीटर लंबे इस पुल को 16 से 17 जून में 2013 में जो आपदा आई थी, उसमें काफ़ी क्षति पहुंची थी। पुल पर एक साथ एक ही वाहन चलाने के निर्देश हैं, लेकिन पुल पर एक साथ कई वाहन चलते दिख जाते हैं, जिससे पुल की स्थिति दिन प्रतिदिन जर्जर होती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे इस पुल की, और आप खुद ही देखिए इन तस्वीरों को और अंदाजा लगाइए इस मोटर पुल से हजारों की आबादी जुड़ी हुई है। चारधाम यात्रा का संचालन भी इसी पुल से होता है। ये वो पुल है और ये देखिए जर्जर हालत में है। और इस पूरे मामले में किस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो भी आपको सुनवा देते हैं। वैकल्पिक पुल उपलब्ध नहीं होने के कारण इसी पर ट्रैफिक चल रहा है, परंतु दोनों ओर ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए पुलिस के जवान मौजूद रहते हैं और एक एक करके गाड़ियों को वहां से निकलवाया जाता है। स्पष्ट निर्देश है कि सभी डिपार्टमेंट्स को मिलकर साथ में कार्य करना है, भले वो आग वन क्षेत्र की हो या सिविल क्षेत्र की हो, किसी भी लैंड की हो। तो उसके बेसिस पे हम लोग कल उस पर एक डिटेल बैठक करेंगे और मैं सभी डिपार्टमेंट से ये आग्रह करता हूँ और उनको सबको निर्देशित करता हूँ कि आप लोग कोहेसिव तरीके से कार्य करें, जंगलों की आग कहीं भी सूचित करें, भले कोई जनप्रतिनिधि हो, कोई ग्राम प्रधान हो, वन पंचायत के हो, सभी को साथ मिलकर इसको कॉम्बैट करना है। तो 50 मीटर लंबा पुल है, कभी भी कोई भी हादसा यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि जब 2013 में आपदा आई थी तब इस पुल को भी काफ़ी नुकसान हुआ था। लेकिन शायद जो प्रशासन है वो आंखें मूंदे बैठा हुआ है, तभी इतने साल बीत गए, इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक वक्त पर एक ही वाहन इस पुल से गुजर सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो भारी वाहन है वो एक के बाद एक लंबी कतार के साथ इस पर चलते हुए नजर आते हैं। इन तस्वीरों को देखिए, उस तरफ से इस तरफ आने के लिए ये पुल बनाया गया। पुल की भार क्षमता के पास 16 टन से अधिक वाहनों का प्रवेश निषेध है। ये यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन इसका कितना यहाँ पालन हो रहा है, इन तस्वीरों को देखिए। मेरे सहयोगी पुष्कर सिंह नेगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पुष्कर का मैं रुक करूंगी। पुष्कर, ये जो पुल है अलकनंदा नदी पर बना हुआ है और सालों पहले बना था, प्राकृतिक आपदा जब 2013 में आई तब इसको नुकसान भी पहुंचा। बाहर एक बड़ा सा बोर्ड भी लगा हुआ है कि 16 टन से ज़्यादा जो भारी वाहन है वो कृपया करके इससे ना गुजरे, लेकिन जब तस्वीरें हम देखते हैं तो यहाँ पर लंबी कतारें बड़े बड़े वाहनों की लगी हुई है, बड़ा हादसा हो सकता है। क्या किसी का ध्यान नहीं जा रहा इस तरफ? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो पुल रुद्रप्रयाग का जो है, ये अगस्त 19 से लेकर केदारनाथ की जो यात्रा होती है, या मुख्यालय की अगर बात करी जाए तो जिला अधिकारी जो है यहीं से गुजरते हैं, इन्हीं के ठीक इसी पुल से 2 किलोमीटर की दूरी पर जो जिला अधिकारी का जो ऑफिस है, यहाँ पे जो खंड विकास अधिकारी बैठते हैं, जो तमाम सारे जो बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं इसी पुल से होकर जाते हैं। हालांकि 2013 की आपदा में इस पुल के ऊपर से पानी भी हम लोगों ने देखा कि इस पुल के ऊपर से पानी गया था, उसके बाद इसकी जो जर्जर हाथ हमको देखने को मिलेगी। हालांकि सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जिस तरह से जो 16 टन से अधिक इसमें वाहन नहीं जा सकते, जान की स्थिति आपको पता है कि क्योंकि
रुद्र प्रयाग से लेकर आपका अगस्तपुरी हो गया, तिलवाड़ा हो गया, या चमोली के लिए भी जो बाईपास इसको बनाया गया है, तो जो जाम की स्थिति यहाँ पर लगातार बनती है, हादसा यहाँ पे ऐसी ऐसी घटना भी अभी तक सामने आई नहीं। लेकिन इससे 2 किलोमीटर पीछे की अगर मैं बात करूँ तो 2 किलोमीटर जो पीछे का जो एरिया है, यहाँ पे एक स्कूटी के ऊपर पत्थर जरूर गिरा है और उसका जो है यहाँ पे उसकी मौत भी हुई है। हालांकि प्रशासन यहाँ पे जरूर जाता है लेकिन अभी तक इसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। उसके बाद जो पीडब्ल्यूडी जो यहाँ पर सॉल्यूशन निकलना चाहिए पुष्कर, वो नहीं निकल पा रहा है। इसके अलावा अगर तस्वीरें मैं देखूं तो बहुत ज्यादा लंबा पुल नहीं है, सिर्फ 50 मीटर का ये पुल बताया जा रहा है। आराम से इसका काम हो सकता है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, ज्यादा परेशानी भी लोगों को नहीं उठानी पड़ेगी। उसके बावजूद भी यहां पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्या किसी को दिखाई नहीं दे रहा है या शिकायत ही नहीं पहुंची है? लेकिन अगर ऑफिशियल बाइट की मैं बात करूं तो वो हमारे पास लगातार आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए संज्ञान तो चाहे यहाँ के जो जिलाधिकारी हों या यहाँ के जो लोक निर्माण विभाग के जो अधिकारी हों, इसी रास्ते से होकर गुजरती हैं। संज्ञान तो इन लोगों के पास है कि ये पुल जो है जब से जो है 100 साल पुराना ये पुल बना हुआ है, उसकी आबादी इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग जो डेट होती है वो 100 साल के करीब होती है। हालांकि 16 टन से ऊपर वाहन इसमें नहीं जा सकते, अधिकारी इसका संज्ञान ले रखा, लेकिन ये पुल जो ठीक है। एक मिनट पुष्कर, एक सेकंड। अनिल बिष्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लोक निर्माण विभाग में यही है। अनिल जी सबसे पहले बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। धन्यवाद अनिल जी। एक समस्या है जो हमारे सामने आई है, अलकनंदा नदी पर एक पुल बना हुआ है, 50 मीटर का है ये पुल, और जब 2013 में आपदा आई थी तब भी इस पुल को क्षति पहुंची थी, शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन इस पुल का निर्माण दोबारा से नहीं करवाया जा रहा है, या फिर ट्रीटमेंट जो भी हो, जो भी इसमें कमियां हैं वो खत्म नहीं करवाई जा रही है। क्या वजह है? क्या आपके संज्ञान में पूरा मामला है? हाँ, ये मेरे संज्ञान में है। जी। तो 1960-65 का बना हुआ उस संबंध में, क्योंकि अत्यधिक ट्रैफिक हो गया है उसमें, तो एक नया ब्रिज हमने भारी प्रस्ताव भी किया है 85 मीटर का, जिसकी स्वीकृति होती है भारत सरकार को, हम इसमें भेजा है। आप ये बताइए कि कब तक लोगों को राहत मिल सकती है, क्योंकि ये जो पुल है वो हादसों को दावत दे रहा है, कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। उसके लिए हमने क्या नाम है जो मिनिमम हो सकते हैं संकेतक लगाए हैं, उसमें क्या नाम है एक समय में एक गाड़ी के लिए जाने की परमिशन का बोर्ड लगाया है ना, और सेफ्टी के लिए जो भी काम हो सकते हैं ना वो करे हैं, पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होने के कारण लोग अधिक रहता है उस पर। ठीक है सर, ये भी बताइए कि चारधाम यात्रा कब से शुरू हो रही है? हमारे केदारनाथ धाम में तो 6 मई से शुरू है। हेलो जाएगा, क्योंकि तब तो यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। अभी तस्वीरें ऐसी हैं, देखिए कितने सारे वाहन हैं, आप कह रहे हैं कि एक ही वाहन निकलता है। यात्रा काल के समय हम इसको वन वे कर देते हैं, जो बद्रीनाथ से ट्रैफिक आता है वो इस ब्रिज से होते हुए जाता है, और जो बद्रीनाथ जाने वाला ट्रैफिक होता है वो क्या नाम है मुख्य बाजार रुद्रप्रयाग से होते हुए जाता है, इसलिए वन वे हो जाता है। ये आदि को तो जोड़ता है, रोजाना इससे वाहन गुजरते हैं, तस्वीरें तो झूठ नहीं बोल रही ना साहब? नहीं, आपका जो वन वे हो जाएगा ना ट्रैफिक, आपका आधा ही ट्रैफिक जा पाएगा उसमें वन साइड। तस्वीरों में वन वे नहीं दिख रहा है पुष्कर जी, क्या वन वे दिख रहा है आपको तस्वीरें में? नहीं बिल्कुल, हमारे सहयोगी वहीं से हैं, वहीं से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो तो आपको हकीकत बता ही देंगे। वन वे तो बनाया गया है, लेकिन जिस तरह से जाम की स्थिति है, तस्वीरों में आपने देखा होगा कि किस तरह के विजुअल जो है आपने भी दिखाए हैं, लेकिन वन वे तो बनाया गया है, लेकिन जब जाम की स्थिति होती है तो 4-5 घंटे लोगों को यहाँ पर वेट करना पड़ता है, क्योंकि तस्वीरें और विजुअल जो है झूठ नहीं कहते हैं, ये हकीकत है, ये ग्राउंड रिपोर्ट है, क्योंकि अधिकारी भी यहाँ से जाते हैं, कर्मचारी भी यहाँ से जाते हैं, लेकिन इसका संज्ञान अभी तक नहीं लिया गया, क्योंकि अनिल जी आप सुन रहे हैं। शैला रानी रावत विधायक है केदारनाथ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। शैला रानी जी बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। हाँ जी नमस्कार, धन्यवाद। कैसी हैं आप शैला रानी रावत जी? ठीक हैं जी। एक समस्या संज्ञान में आई है, एक पुल है जर्जर हालत में, मोटर मार्ग, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्या आपके संज्ञान में है ये?
हाँ काम चल रहा है उस पे, और संबंधित को निर्देशित कर दिया गया है कि जल्दी से जल्दी उसको ठीक करें। काम चल रहा है, चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, दूसरी तरफ से भी वैसे दूसरा दोनों पुल है ना हर जगह पे, जो बहुत ज्यादा जीव सीन है उनकी जगह नए पुल भी तैयार हो रहे हैं। ठीक है, आप ये बता दीजिए मुझे कि कब तक हो जाएगा, अभी लोगों को समस्या ना हो। थोड़ा टाइम तो लगेगा। क्या टाइम? थोड़ा तो लगेगा, कर रहे हैं विभाग वाले। मैम देखिए, हमारा मकसद है कि हम जो हमारी जिम्मेदारी है वो निभाएं और ऐसी तस्वीरें लेकर आएं ताकि आप लोग भी संज्ञान लें और आप लोगों के संज्ञान में आए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं पहुंच पाती है। मुझे कि कितना समय लगेगा, क्योंकि चारधाम यात्रा के लिए अब समय बहुत कम है। हाँ जी हाँ जी, नहीं तैयारी कर रहे हैं और हो रहा है काम, दिन रात लगे हैं और बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। धन्यवाद मैम। आप मौके पर पहुंचेंगी और वहां पर जाकर जायजा लेंगी कितना काम हो चुका है कितना नहीं हुआ है? हाँ जाएंगे। दिक्कत किस तरह की आ रही है, क्यों समय लग रहा है, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? उसमें ठेकेदार वगैरह की लापरवाही है। ठीक है फिर, ओके ठीक है। मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि डबल इंजन की सरकार है और बहुत बेहतर तरीके से काम चल रहा होगा, लेकिन इतना समय क्यों लग रहा है? जुड़ी थी और उनका साफ तौर पर कहना था कि काम चल रहा है और हम इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही था मेरा कि काम तो चल रहा है लेकिन चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, काम कब तक खत्म हो पाएगा ये वो नहीं बता पाई हैं। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम जल्द से जल्द इस काम को खत्म कराने की कोशिश करेंगे और उम्मीद हम करते हैं कि जो बातें उन्होंने अभी न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर बोली है वो धरातल पर भी दिखे। उन्होंने कहा है कि वो मौके पर पहुंचेंगी, जायजा भी लेंगी। अब देखना होगा कि कब तक तस्वीरें जो है वो साफ हो पाती हैं। पुष्कर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पुष्कर, सुना आपने शैला रानी रावत जी मौके पर जाएंगी, वहां पर जायजा लेंगी, काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा कह तो दिया उन्होंने, धरातल पर क्या ऐसी तस्वीर को दिखाई दे रही है, क्या काम चल रहा है? बिल्कुल देखिए, चाहे अधिकारी हो चाहे नेता हो, सब अपना पल्ला झाड़ते हैं। काम इस पे 2013 से हो रहा है ये हमने भी सुना है, लेकिन अभी तक ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी होगी किस तरह से पुल की हालत है, किस तरह से यहाँ की स्थिति है, क्योंकि केदार घाटी को जोड़ने वाला एकमात्र यही पुल है। चाहे आप रुद्रप्रयाग जिले का जो मुख्यालय होता है बसरते बाईपास यहाँ पे बनाया गया है, लेकिन जिस तरह से शैला रानी रावत ने कहा है कि यहाँ पे काम हो रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, केवल यहाँ पे जो है बाईपास के नाम पे जो है यहाँ पे बनाया गया है और आए दिन यहाँ पे जो है दो दो घंटे तीन तीन घंटे लोगों को जाम में फंसना पड़ता है। चाहे पुलिस प्रशासन यहाँ पे बड़ी मुस्तैदी से काम करता है, क्योंकि जाम खुलने की जाम जिस तरह की स्थिति है कि हालांकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो काम हो रहा है काम इस पर कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जो हमने कई खबर दिखाई थी, आपने देखा होगा कि जो यहाँ पे नमामि गंगे का प्रोजेक्ट ठीक इसी के नीचे बना हुआ है, हमने एक खबर भी दिखाई थी, हालांकि उस खबर का संज्ञान जरूर नगर पालिका ने लिया है, लेकिन अभी तक इस पुल का कोई भरत चौधरी रुद्रप्रयाग के विधायक हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत जी बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। फोन काट दिया पुष्कर जी, फोन काट दिया, दोबारा कोशिश करेंगे हम। शैला रानी रावत जी ने तो आश्वासन दे दिया है, लेकिन आप जैसा बता रहे हैं क्योंकि आप वहीं पर मौजूद हैं, आप कह रहे हैं कि आश्वासन तो 2013 से मिल रहा है लेकिन आश्वासन धरातल पर नहीं उतरा है, लेकिन यहाँ भरत चौधरी तो फोन ही काट रहे हैं। बिल्कुल क्षेत्रीय विधायक हैं, रुद्रप्रयाग से ही विधायक है, रुद्रप्रयाग का ही मामला है, लेकिन जब विधायक जब फोन ना उठाता हो, अधिकारी जब फोन ना उठाता हो, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे उत्तराखंड का, कि उत्तराखंड केवल इसीलिए बना हुआ है राजनीति करने के लिए, विकास के नाम पे जीरो है, क्योंकि जो लोग यहाँ से गुजरते हैं या कभी ऐसा हादसा यहाँ पे होता है इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन, सबसे बड़ा प्रश्न यही है। हालांकि हम लोगों ने खबर उठाई है, हम लोगों ने खबर यहाँ से उठाई है, हो सकता है कि आने वाले समय में इसका संज्ञान लिया जाए, लेकिन एनएच के जो अधिकारी हैं, एनएच के अधिकारी भी जो है इससे पल्ला झाड़ते हमको नजर आ रहे हैं, लेकिन लोक निर्माण के विभाग के जो अधिकारी जो कर्मचारी हैं उन्होंने केवल फोन हमारा रिसीव किया है, हमसे बात करी है, लेकिन तस्वीरों से आपने देखा हो कि भरत चौधरी जी एक बार मेरे साथ फिर जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत करती हूँ आपका भरत जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद भरत जी। एक मामला है और आपके इलाके का ही है, इसलिए
आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ, केदार घाटी को ये पुल जो है जोड़ता है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी पर बना है, आप तो भली भांति जानते होंगे। ये जर्जर हालत में है मोटर मार्ग, हजारों वाहन गुजर रहे हैं, बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। 2013 में आपदा आई थी तब भी उस पुल को क्षति पहुंची थी, लेकिन ट्रीटमेंट पुल का नहीं हो पाया है, क्यों, क्या वजह है, क्या दिक्कत आ रही है? ऐसा है, यहाँ पे NH पे 900 मीटर की एक सुरंग बन रही है और वहाँ से पुल जो है NH 58 पे प्रस्तावित है, उसके टेंडर हो चुके हैं और जुलाई में उस पे काम शुरू होने वाला है, तो उसको भारत सरकार को के संज्ञान में है और पुल की और टनल की 900 मीटर टनल की स्वीकृति प्राप्त है, उसके टेंडर भी हो चुके हैं। विधायक जी एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि काम शुरू होने वाला है, चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, काम शुरू होने वाला है, ये कुछ हमें समझ नहीं आ रहा है। वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो पुल जो है मोटर पुल है, कोई एक दिन एक महीने और एक साल में बनने वाला नहीं, इसमें टाइम लगने वाला है और इसीलिए इसी चीज को देखते हुए, क्योंकि ये पुल जर्जर स्थिति में है, इसलिए जो है नया पुल जो है अलकनंदा नदी पे प्रस्तावित है जिसके काम शुरू होने वाला है, इस वजह से निर्माण नहीं हो पा रहा है। निर्माण नए पुल के साथ टेंडर हो चुका है, फंड नहीं मिल पा रहा है, डबल इंजन की सरकार में यही समस्या आ रही है क्या? भरत जी आवाज आ रही है मेरी? भरत जी फोन काट दिया उन्होंने और सवाल तो पसंद नहीं आया है और शायद उन्हें समस्या का भी जो यहाँ पर संज्ञान में हम लाने की कोशिश कर रहे थे वो भी उन्हें शायद नहीं पता है, क्योंकि कई विधायक ऐसे हैं कि वोट मिल जाते हैं लेकिन वोट मिलने के बाद वो अपने आसपास के इलाकों में मौका मुआयने पर नहीं जाते हैं और ना देखते हैं कि उनके इलाके की हालत कैसी है। हो सकता है कि भरत जी के संज्ञान में बात ना हो, लेकिन कह रहे हैं कि काम तो चल रहा है, चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, काम चल रहा है, कब काम खत्म होगा? चारधाम यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे पुष्कर, भरत जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि काम चल रहा है, हो जाएगा, फंड की तो कोई कमी नहीं है। जब फंड की कमी नहीं है तो काम क्यों नहीं हो रहा है? और जब मैंने उनसे पूछ लिया एक बार फिर से कि फंड की कमी पड़ रही है क्या, तो फोन काट देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि किस तरह से जो क्षेत्रीय विधायक हो या जो संबंधित विभाग हो या तमाम सारे जो भी योजनाएं, काम तो हमें देखने को मिला नहीं कि काम हो रहा है, काम हो सकता है कागजों में हो लेकिन धरातल पे नहीं हो रहा है, क्योंकि सलार रानी रावत ने भी देखा कि उन्होंने कुछ और कहा और जो भरत चौधरी हैं यहीं के विधायक हैं, यहीं से यहाँ पे से और 100 मीटर की दूरी पे इनका ऑफिस है। पुष्कर अजय थपलियाल मेरे साथ जुड़ गए हैं, एई है PWD विभाग में। अजय जी बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। अजय जी आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ आ रही है। अजय जी समस्या है, एक समस्या ये है कि केदार घाटी को जोड़ने वाला जो मोटर मार्ग है 50 मीटर का है, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है, वो जर्जर हालत में है। हमने ये समस्या उठाई है क्योंकि शिकायतें लगातार आ रही थी। अजय जी हेलो, आपके संज्ञान में है ये मामला? हेलो आवाज नहीं आ रही है कि मेरी? आप लाइव है, आपको जनता सुन रही है उत्तराखंड की? हेलो आपको जनता सुन रही है? अजय जी आवाज आ रही है मेरी? हेलो अजय जी को शायद आवाज मेरी नहीं आ पा रही है। अजय जी जनता लेकिन आपकी आवाज सुन सकती है, मैं सुन सकती हूँ, उत्तराखंड की तमाम जनता सुन रही है। हेलो आवाज नहीं आ रही मैडम आपकी? मोटर मार्ग जो पुल है क्या आपको इसके बारे में मालूम है? हेलो आवाज नहीं आ रही मैडम आपकी? सर कह रहे हैं कि आवाज नहीं है, सर आपकी आवाज लेकिन आ रही है, हम आपको दोबारा फोन कर रहे हैं, उठाइएगा, दोबारा फोन मिलाइए। पुष्कर जी दोबारा फोन मिला रहे हैं हम अजय थपलियाल जी को, PWD में यही है, कोशिश हम कर रहे हैं कि काम कहां तक पहुंचा है, क्योंकि विधायक जी तो कह रहे हैं, दोनों ही विधायक चाहे वो केदारनाथ क्यों चाहे रुद्रप्रयाग क्यों, कह के फोन काट चुके हैं कि काम चल रहा है, हो जाएगा, वो तो हम 2013 से ही देख रहे हैं, आपने भी अभी बताया।
अनिल बिष्ट जी को फोन किया था, लोक निर्माण विभाग में है, वो भी कह रहे हैं कि काम चल रहा है, हो जाएगा। जब काम चल रहा है तो ये आखिर समस्या जो लोग बता रहे हैं वो कौन सी समस्या बता रहे हैं फिर? या तो इन्हें नहीं दिखाई दे रही है तस्वीरें, ऐसा हो सकता है ना पुष्कर? हेलो, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये सब लोग वहीं से गुजरते हैं। एक बार फिर से अजय जी हमारे साथ जुड़ गए। अजय थपलियाल जी, आवाज आ रही है मेरी? जी अभी आ रही है। अजय जी, केदार घाटी को एक मोटर मार्ग जोड़ता है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी पर यह मोटर मार्ग बना हुआ है, आपके संज्ञान में ये मामला है, जानते हैं आप इस मोटर मार्ग को? मोटर पुल है मैडम। हाँ, इस पूरे मोटर पुल को 50 मीटर का है ये जी, और ये जर्जर हालत में है, ये भी आपको पता होगा। जी जी जी। तो क्या काम चल रहा है इसको सुधारने का? उसकी जगह एक नया पुल प्रस्तावित है मैडम, एनएच ने नया पुल प्रस्तावित किया है, उसकी रिपेयर गठित हो चुकी है। अच्छा, नया पुल बन गया है लेकिन इस पर भी आवाजाही चल रही है, तो किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं आप? मैडम अब पुल का ये स्थिति होती है कि जो पुराना पुल है वो तो रिपेयर होएगा ही, बाकी बाईपास अभी बना हुआ है, ब्रेकसम ट्रैफिक बाईपास से जा रहा है। जो बेलनी जगह है जहाँ पर पुल जर्जर स्थिति में है, उस जगह पर एक नया पुल प्रस्तावित किया गया है। अजय जी, अजय जी एक मिनट की बात सुनिएगा, इतने भारी भारी वाहन ट्रक जो है इससे निकल रहे हैं, आप गारंटी लेते हैं कि कोई हादसा नहीं होगा? मैडम वो पुल एक्चुअली एनएच डिवीजन के अंतर्गत आता है, उन्होंने उसकी जगह नया प्रस्तावित किया हुआ है पुल की स्थिति को देखते हुए ही। आपकी बात ठीक है, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, आप कह रहे हैं कि नया पुल बन रहा है लेकिन पुराने पुल पे आवाजाही जारी है, अगर कोई हादसा होता है तो आप जिम्मेदारी लेंगे? अब मैडम पुल जिसके मेंटेनेंस में होगा वो जिम्मेदारी लेगा, हमारी तो है नहीं। आपकी जिम्मेदारी नहीं है, किसकी जिम्मेदारी है फिर? पुल वो राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत आता है, इसीलिए उसका प्रस्ताव नया भेजा गया है मैडम। कब तक बनेगा? जब पूरा एकदम टूट जाएगा, कोई हादसा हो जाएगा, तब एकदम सभी अधिकारी दौड़े दौड़े आएंगे फिर? जी नहीं, प्रस्तावित पहले हो चुका है मैडम। यात्रा शुरू होने वाली है, समय बहुत कम है अजय जी। अजय जी, अजय जी आपको उत्तराखंड की जनता सुन रही है। अजय जी ने फोन काट दिया है, और बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आप जुड़े, और तमाम जो यहाँ पर विधायक लोक निर्माण विभाग के ही अजय थपलियाल जुड़े हैं, उन सभी का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने फोन उठाया, बात की है। काम चल रहा है पुष्कर, और काम कब तक चलेगा ये तो खैर मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये जरूर है कि बात तो की है सबने, लेकिन कहीं ना कहीं दूर भागते हुए अपनी जिम्मेदारी से भी नजर आए हैं सभी। पुष्कर मैं सही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही हैं, सब अपनी जिम्मेदारी से भागने का काम कर रहे हैं, क्योंकि रुद्रप्रयाग एक ऐसा जिला है, जब उत्तराखंड बना था तो उसमें जो है मायावती सरकार ने इसको अलग किया था, दो जिले अब चमोली से काट के इसको जो रुद्रप्रयाग जिला बनाया गया था, तो उस समय से और अभी तक का ये पुल है जर्जर हालत में है। यही साहब ने कहा कि पुल बन रहा है, लेकिन वो पुल वहां पे नहीं बन रहा है, पुल जो है बाईपास पे जो है बन चुका है, वो उस पुल का संज्ञान दे रहे हैं, लेकिन जो मुख्य बाजार को जोड़ने वाला पुल है आपका, चाहे आपके यहाँ पे से जिला अधिकारी जाते हैं, आपके SP जाते हैं, जब कोई बड़ा अधिकारी या बड़ा नेता यहाँ पे पहुंचता है इसी पुल से होके गुजरते हैं, लेकिन संज्ञान अभी तक किसी ने लिया। हाँ, हालांकि जो छोटे छोटे नेता हैं या छोटे छोटे जो लोग जिनको परेशानी होती है, लेकिन पुष्कर हम इसको मुद्दे को दोबारा उठाएंगे, क्योंकि चारधाम यात्रा करीब है और हमारा ये पूरी जिम्मेदारी है कि हम ऐसी चीजों को उजागर करें, जनता की जो अपील है उसको जिम्मेदारों के सामने रखें। हम दोबारा से इस पूरे मामले को उठाएंगे, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे भी हम लेते रहेंगे। फिलहाल आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो रुद्रप्रयाग का ही पूरा मामला, मोटर पुल का, 50 मीटर का मोटर पुल जो कि जर्जर हालत में है, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। कोशिश की थी सभी अधिकारियों को जगाने की, विधायकों को जगाने की, अब देखना होगा, सबने वादा तो किया है कि काम चल रहा है, अब ये वादा जमीनी स्तर पर कितना दिखाई देता है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।